राम राम भाई सारे आने थे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बसी टैवेंटा, और लेके आए एक नया ब्लॉग। तो बना कितनी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे ब्लॉग। और हाँ, जाते जाते यू नो व्हाट टू डू, लाइक और सब्सक्राइब की बारिश। तो दोस्तों, हर्ष गुजरात जिसको हम सस्ता विक्की कौशल बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे, उसकी एक नई वीडियो आई है। और नई वीडियो का एक क्या है, वो पिछली वीडियो है, तो आओ उस पे रिएक्शन देते हैं। और लास्ट में अगर आपने ये वीडियो देखते देखते कर दिए सपोज 200 सब्सक्राइबर, तो कुछ खाऊंगा मैं। तो आओ देखते हैं। अरे एमबीए के स्टूडेंट्स की तो बात ही मत करो, फालतू एमबीए कर रहे हैं कर लेते हैं, उसके बाद जॉब करते ही नहीं। पता नहीं क्यों, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं चैनल पर। मैडम घर वाले भेजे थे शादी करने ही है, इसलिए बैठे हैं बस। मतलब वो बोलते भी है मुंह पे कि हम शादी करने के लिए, सिटिंग एयरपोर्ट। सुनो, ये तुम्हारी क्लासरूम नहीं है। मेरे पास आगे जोक हैं एक दो टीचर वाले, अभी देखो तुम। ओके सीरियस नाउ, ठीक है सीरियस नाउ। रात में कुछ खाना है मेरे को। इंडियन पेरेंट्स बस ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादियां टाइम पे हो जाए, तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो। मेरे वाले ना रीजन बहुत अजीब अजीब देते हैं। उस दिन मुझे बुला के कह रहे शादी कर लो, मैंने क्यों, कह रहे सीजन चल रहा है शादियों का। सीजन चल रहा है, सीजन तो डेंगू का भी चल रहा है पापा। मच्छर से कटवा लूं क्या या बुखार करवा लूं अपने आप को? सीजन तो अस्थमा का भी चल रहा है पापा, क्या सांस लेना छोड़ दे क्या? मैं आपका बेटा हूं, मैं दशहरी आम की सीजन आ गया, बेंचो मैंगो शेक बना दो इसका। कुछ भी बोलते हैं भाई, मेरे पिताजी कुछ भी बोलते हैं। मुझे से कह रहे तुम शादी क्यों नहीं करते, मैंने कहा पापा मेरा मन नहीं करता करता शादी करने का, मुझे डर लगता है। कह रहे क्यों नहीं, तुम्हारी तीनों बहनों की शादियां होगी, तीनों कितनी खुश है अपने ससुराल में। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहे मैं रोज पूछता हूँ तीनों से। मैंने कहा पूछना जीजा जी लोग से है। पॉइंट है, पॉइंट है। आप गलत कंटेस्टेंट के साथ केबीसी खेल रहे हो। जहर को घंटा फर्क पड़ता है, चाटने वाले की मौत होती है। हर बात में बहुरानी ले आते, हर बात में बहुरानी ले आते। मैंने चाय बना के पिलाई सुबह सुबह ठंड में, मैंने कहा कैसी लगी? अरे बहुरानी के हाथ की होती तो ज्यादा स्वादिष्ट होती, बहुरानी दार्जिलिंग। तभी मैं घर वालों के लिए चाय नहीं बनाता क्योंकि मेरे को आती नहीं। आसाम की पत्ती थूक रही आपकी होने वाली बहू से। कुछ भी बोलते रहते हैं। मैंने कहा आज बाहर से खाना मंगवाते, बहुत दिनों के घर का खा रहे। बेट बहुरानी होती तो आज भी घर का ही खाते, मैंने बहुरानी होती तो रोज बाहर का खाते। बदल गया पापा, ब्लड टेस्ट कराया मैंने। मैंने कहा पापा क्या रिपोर्ट आई? कह रहे बहू की कमी बता रहे हैं। इतना मैं पति बनने के लिए बेताब नहीं हूं जितना आदमी ससुर बनने के लिए बेताब है। 35 लाख लोग इस महीने में शादी कर रहे हैं, वो लोग पागल हैं। फालतू रीजन पे शादी कर रहे हैं सर लोग। मेरा एक दोस्त 23 साल पे शादी कर रहा है, मैंने कहा तू 23 साल में इतनी जल्दी क्या है तुझे? कह रहा तलब लग रही है। मैंने कहा तलब क्या होता है? तू बीवी ढूंढने निकला, बीड़ी ढूंढने निकला। दोस्तों का एग्जांपल देते, तुम्हारे तीन खास दोस्त हैं, उनकी शादियां तक हो गई, उनके बच्चे तो हो गए, उनको देखा देखी ही शादी कर लो, उन्हीं को देखा देखी तो मन नहीं करता करने का। भाई तीनों दोस्त मेरे शादी से पहले इतने खुश रहते थे, हट्टे कट्टे, अब मिलते ऐसा लगता है चूस लिया उनको किसी, ऐसा लगता है परमानेंट एनेस्थीसिया दे दिया, सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर रहा है। भाई मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे अभी एक फैमिली फंक्शन में तीनों मिले, ऐसे जोरू के गुलाम मैंने नहीं देखा कभी। अपनी वाइफ से जो है सूसू तक पूछ के जा रहे, कह रहे मे आई गो टू टॉयलेट मैम। तूने शादी करी, नर्सरी में एडमिशन लिया? एक कह रहा भाई मेरी वाली तो टीचर है, मुझे रात को मे आई कम इन भी पूछना पड़ता है। मैंने कहा 19 महीने में 2 बच्चे हो गए, तेरे भाभी को बोल नो बोलना शुरू करें। टीचर से शादी कर ली, बताओ उसने, आदमी सुहागरात की कितनी वेट करता है, उस बेचारे को मुर्गा बना दिया सुहागरात पे। उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया है पूरा, बैड परफॉर्मेंस, नीड्स इंप्रूवमेंट इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, कॉल योर पेरेंट्स राइट नाउ, जस्ट पास, स्टेप मार्क गिवन।
आप सोचो एक लड़का सुहाग रात पे गया है, लव मार्क लेने गया, स्टेप मार्क लेके आ रहा है। भाई मैंने उनको बोला फैमिली फंक्शन में कि भाई साहब थोड़ी देर रुकते हैं, हम तीनों ना बड़े दिन बाद दोस्त मिले, अचानक से रुक जाते हैं थोड़ी देर। कह रहे नहीं नहीं, हमें सुबह उठना है, फिर बच्चे को उठाना है, उनकी पॉटी साफ करनी है, उनको दूध पिलाना है, उनको सेरेलैक खिलाना है, मैं जो उनको स्कूल छोड़ के आना है, लेके आना। मैंने कहा जा चल, अगला बच्चा करेगा डिलीवर भी खुद ही कर लियो। सबसे नोटोरियस हरकत आपके बच्चे ने क्या करी होगी, मतलब क्लासरूम के घोड़े से स्कूल आया था लड़का। आई वांटेड दैट, और अपने घोड़े को उसने टीचर पार्किंग में लगाया था। उसके बाद उसका प्रॉपर खाना वाना लाके उसको वहां खिला रहा था। आई रिकॉर्डेड दैट, मैंने इसको दिखाया भी था, मतलब घोड़े से स्कूल आया था। गाड़ी सर्विस को दी होगी, पेट्रोल दी नहीं, घोड़े में डाल दिया। प्रेशर बहुत है, जितनी शादियां उतने बच्चे। मेरे बाप को तो मैं किसी तरह समझाता हूँ कि पापा 6 महीने रुक जाओ, इस घर पे शादी और बच्चे की बात मत करना। किसी तरह मेरा बाप ठंडा होता है, फिर किसी की शादी का कार्ड आ जाता है मेरे घर पे। रजत वेड्स नीलम, चमन वेड्स चूतिया। पैंतीस कार्ड रखे दिसंबर के मेरे घर पे, इस समय शादियों के 35 कार्ड। ऐसा लगता है हम धंधा करते हैं कार्डों का, शादी का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं हम लोग, दूसरों के घर से उठा के अपने घर में शादी कार्ड रख रहे हैं हम लोग। 64 साल का एक बंदा आया, तीसरी शादी है उसकी, 64 साल का बंदा। मेरे बाप कह रहे इन्हीं से शर्म कर लो, मैंने कहा इनसे तो आपको आनी चाहिए। नहीं तो किसी की पहली शादी, किसी की दूसरी शादी, किसी का तीसरा बच्चा, किसी की चौथी शादी, हम साला घोड़ी पे चढ़ना नहीं चाह रहे, उतरना नहीं चाह रहे। हर शादी के कार्ड में वही चूतिया लिखा है, मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना, मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, मेरे लोलू की शादी में जलूल जलूल। ये कौन से चूतिए बच्चे हैं जो लिख तोतला रहे हैं? बेटा आपने भी आना। मैंने कहा अंकल को काम हो तो बताइएगा, सारे काम आप नहीं करने बेटा, सारे नहीं करूंगा मैं, सारे मुझसे कराने तो दामाद बनाओ। कह रहा दमाद ना लूंगा, आओगे कैसे? मैंने कहा घोड़े पे आएंगे मैच। हम तो स्कूल घोड़े पे जाते हैं, बाकी क्या बात है। बहुत पागल है भाई। जितनी शादियां उतने बच्चे, रीजन बहुत अजीब अजीब है। इंडिया में इतनी प्रॉब्लम होगी ना, पॉपुलेशन इतनी, लोग कहते हैं इंडिया ऐसा देश है जो सोता नहीं, इसलिए तो 150 करोड़ हो गए। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बच्चा हुआ, अब दूसरा कर रहा है। मैंने क्यों कह रहा, इसके साथ कोई खेलने के लिए चाहिए। मैंने कहा इस चक्कर में तुम आपस में खेले जा रहे हो, अब तीसरा कर ले, क्यों? इन दोनों की लड़ाई होगी तो तीसरा सुलह कराएगा। अब तीन हो गए, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चौथा कर लो। इस हिसाब से तो 2040 में हमारी अपनी क्रिकेट टीम होगी गुजरात कलंदर्स। सही बात है ना, मेरे माँ बाप इसी चीज को लेकर तो भावुक हो जाते हैं कभी कभी, इतने ज्यादा पोता पोती के लिए वो लोग पागल हो जाते हैं। मुझसे शादी के लिए बोलते ही नहीं, सीधे बच्चा मांग लेते। मैं मम्मी पापा उस दिन कमरे में खाना खा रहे, अचानक से मुझसे दोनों कहते हैं हर्ष हमें बच्चा चाहिए। मैंने कहा मैं कमरे से बाहर चला जाऊं। अरे तुमसे चाहिए, मुझसे चाहिए, मैं तो खुद ही बच्चा हूं अभी। हाँ तुम्हारी तो निप्पल से दूध पीने की उम्र है, मैं डबल मीनिंग बातें मत करना मेरे से। हर्ष तुम्हें नहीं लगता बेटा बहुत जरूरी हमारी गोद में एक बच्चा खेले? मैंने कहा मम्मी आपको नहीं लगता उससे पहले बहुत जरूरी बच्चे की माँ हमारी गोद में खेले? बेटा मुझे किलकारियां सुनाई दे रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर। भौंक करके कौन सा बच्चा किलकारी मारता है? कमरे में लात मारी, हर्ष हमें अभी बच्चा तो अभी कहां से तू, मैं अलमारी में रखा हुआ छुपा के। प्रोसेस होता है पूरा, उसका रीजन है। इंडियन पेरेंट्स ऐसे जल्दी जल्दी क्यों बोलते? क्योंकि उनके जो रिश्तेदार है ना, वो लोग दादा दादी बनते, वो लोग साले फोन कर देते। हर तीसरे दिन किसी रिश्तेदार का मेरे माँ बाप के पास फोन आ रहा है, अरे मुबारक हो मोनू की लड़की हुई है, आप दादी बन गई। अरे मोनू की लड़की हुई तो हर्ष की माँ कैसे दादी बन गई? ये कैसा ऑनलाइन इंटरकोर्स चल रहा है? ऑनलाइन हाँ, 6 महीने में वो लोग 18 बार दादा दादी बन चुके, मैं एक बार भी बाप नहीं बनाऊ? हमारे पड़ोस में दादाजी की डेथ हुई, 2 दिन बाद उनका पोता हुआ, हमारे मोहल्ले में खबर पता क्या फैल गई, दादाजी लौट आए हैं। मेरी फट गई भाई, मैंने कहा मैं तो खुद आग लगा के आया था। उनके घर भागा हूं देखने, मैंने कहा कहां है दादाजी? उनकी बहू ने हाथ में बच्चा पकड़ा, वो कह रही ये रे मैंने कंप्रेस होके लौटे। 256 GB भेजा था, 64 लौट के आया। ये कैसी जिप फाइल है?
कह रही देखो उनके दादाजी जैसे नहीं, आंखें उनके जैसी, हाथ पैर उनके जैसे, नैन नक्श पूरे जैसे, पूरे दादाजी नहीं लग रहे, मैंने मुंह में बीड़ी लगा दी, मैं लग रहा पूरा। कह रही बच्चा रो क्यों रहा है, मैंने कहा घूंघट करो ससुर जी नशे कर रहे, उनको बुरा लग रहा है। मुझे पता है इसमें एक इमोशनल एंगल है, मुझे पता है किसी की डेथ होती है और कोई पैदा होता है तो एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा है इंडियन फैमिलीज में, मुझे पता है, लेकिन इसमें एक लॉजिकल एंगल भी तो है। आप सोचो हमारे मोहल्ले में अब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती बुड्ढों की गांड फट जाती है। वो योगा करते करते कह रहा अपना टाइम आ गया। तो कह रहा बहू रानी प्रेग्नेंट है, उसको उल्टियां हो रही, अरे यार ध्यान से चेक करो फूड पॉइजनिंग होगी। जैसे ही ये शादी आता ना, सबसे ज्यादा जो एक्टिव हो जाते हैं ना मैट्रिमोनियल साइट्स वाले होते हैं, जीवन साथी वाले। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जीवन में साथी दिलाने के चक्कर इन्हें गांजा बो रखा। शादी अगर लड्डू है, जीवन साथी वाले हलवाई हैं। 35 लाख में से 22 लाख शादियां ये करा रहे। सलमान खान की नहीं हो रही, उससे को रजिस्टर करे जीवन साथी पे, तुरंत हो जाएगी उसकी जिंदगी में ऐश ही ऐश होगी। अरे वो वाली नहीं बहन, पागल है क्या तुम, मरवाएगी मेरे को क्या, नॉर्मल ऐश, वरिया वाली नहीं। किसके, सलमान की शादी हो रखी है, ऐश्वर्या के लिए उम्मीदवार है डिवोर्स के, तू अपना संभाल पे। तेरे स्कूल में बच्चे घोड़े पे आ रहे हैं। भाई सही बता रहा हूँ। अच्छी है जीवन साथी, बेहतरीन है, आपको शादी करनी अच्छी बात है। इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय मेरी बहन को मैसेज कर रहे हैं कि आप रजिस्टर कर लो, आपकी शादी करा लेंगे, चलो अच्छी बात है। प्रॉब्लम यह है जो मैंने आपको बताया कि उसकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, 5 साल पहले इन्हीं लोग ने कराई थी। उनको कह रहे फोन करके मेरी बहन को, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा पति ले लो, स्पेयर पति रख लो। मेरा जीजा है, ट्रक का टायर है वो। स्पेयर क्या होता है, पीछे स्टेपनी है जो लगा के चलेंगे, कि एक टायर पंचर हुआ दूसरा लगा लिया। तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ जीवन साथी पे रजिस्टर कराना। मैं बता रहा हूँ इतनी इतनी धार्मिक, इतनी संस्कृति वाली साइट जिस पर लॉन्डे सिंदूर लेके बैठे हुए हैं, आप यहाँ रजिस्टर करोगे आपकी मांग अपने आप भर जाएगी। हाँ सही में उनका एक प्रीमियम वर्जन है, उसमें बच्चा भी दे रहे हैं वो लोग। पैदा करने की जरूरत नहीं यार, आपका होने वाला पति, यार आपका हो चुका बच्चा। मैंने अपने तीनों बहनों की शादी वहां जीवन साथी से ही कराई थी, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। एक तो जीजो पे ऑफ चल रहा था, 50% ऑफ था और 15 दिन की रिटर्न गारंटी थी, उचित दामों में बढ़िया चीजें उपलब्ध हुए हमको। भाई तीनों इतने अच्छे हैं कि अब वो हमारे घर के बेटे हैं, मैं अपने रियल बाप का कजन बेटा बन के रहता हूँ। रियल बाप के कजन, सही में मेरे बाप उनसे ऐसे बात करते कि दामाद जी, बेटा जी, अरे मेरे बच्चे जी, मुझे देखते कह रहे, अरे उल्लू के पट्टे हो, कुत्ते चूती हो तुम, हम उस रात को सो क्यों नहीं गए। ऐसी ऐसी बातें करते, मैं कहता हूँ इकलौता बेटा हूँ, तमीज से बात करो। कह रहे तमीज से कर लेते, उल्लू के पट्टे जी, कुत्ते जी, चूते। भाई मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी बन जाना, किसी का साला मत बनना, मैं ब्रदर इन लॉ हूँ, ब्रदर इन लॉ हूँ मैं। तीनों में से एक भी चीजा मेरे घर पे आना लगता, ऐसा लगता सुनामी आने वाली है। एक कमरे में एसी लगा, मैं वहां सोता, मुझे वहां से बाहर निकाल देते, कह रहे दीदी जी यहां सोएंगे। मैंने कहा क्यों, कह रहे इन लोगों को प्राइवेसी चाहिए। मैंने कहा दीदी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है भाई, ये क्या अंदर बैठ के सोनोग्राफी करेगा क्या, या एक्सरे निकालेगा अंदर से। मेरे छोटी दीदी की शादी थी, मेरे बड़े वाले जीजा जी नाराज हो गए, पापा ने कहा कुछ गलती होगी, दामाद जी क्या हो गया, कह रहे कोई नहीं वो भटूरे फूले हुए नहीं थे। अरे गुजरात जा, मुंह से भटूरे फुला रहे क्या। चिकन लेग पीस नहीं बोला, हमारी टांगे लगा दे तंदूर में। मेरे पिताजी इतने इंप्रेस है दोनों जीजों से कि मेरा बिना बताए उन्होंने प्रोफाइल बना दिया जीवन साथी पे, बिना बताए बना दिया। मेरे को एक लड़की का फोन आया सुबह 7:30 बजे, नींद में था, मेरे से कह रही हेलो, मैंने कहा आंटी, कह रही राधिका बोल रही हो, फ्री हो? मैंने कहा नहीं पैसे लगेंगे। कह रही कितने लगेंगे? मैंने कहा वो तो पूरी दुनिया को बता। 6000 नहीं, 6000 मत बोलो। फिर यूट्यूब वाले बोलते हैं कि भाई तुम रिपीट करते हो जोक। आपका प्रोफाइल जीवन साथी का, मैंने चेक किया, मेरे बाप ने बनाया हुआ भाई प्रोफाइल, सब गलत हुआ। इंडियन पेरेंट्स को प्रोफाइल बनाना ही चाहिए अपने बच्चों का। ऑक्यूपेशन में जॉब लिखा हुआ है मेरे। मैंने कहा ये क्या, मैं तो कॉमेडियन, कह रहे जॉब वालों के लिए रिश्ते अच्छे आते बेटा, मम्मी के लिए तो नहीं आया था। सेक्स में फीमेल लिख दिया, मैंने कहा सेक्स में फीमेल लिखा हुआ आपने, कह रहे तो फीमेल के साथ ही तो करो। मैंने कहा मन नहीं पूछ रहा। नॉन ड्रिंकर, नॉन स्मोकर, मैं नॉन ड्रिंकर, इन्हीं की बोतल से 20 साल से निकाल निकाल के पी रहा हूं मैं, ऊपर से पानी डाल देता हूं रोज पीते, कहते हर्ष मुझे तो चढ़ती नहीं। मैंने कहा मैं तो भंड घूम रहा हूं पापा। नॉन स्मोकर, इनको आज भी लगता कमरे में आग जो है वो धूप बत्ती से लगी थी।
हाइट मेरी लिखी 6 फुट 4 इंच, मैंने कहा मेरी हाइट तो पापा 6 फुट 1 इंच है, कह रहे बेटा मैंने मिला जुला के सब कुछ लिख दिया। डबल मीनिंग बातें मत किया करो मेरे साथ, डबल मीनिंग बातें क्यों करते हो। एक्चुअली क्या है ना, ये डेटिंग एप्स ने सारा माहौल खराब कर दिया आजकल प्यार की, इसीलिए तो कोई डेफिनेशन नहीं है। आप देखो है क्या है ये वन नाइट स्टैंड, क्या है ये जिस्मानी संबंध में लगे हुए आपस में है, क्या सिचुएशनशिप है, किसी ने किया वन नाइट स्टैंड यहाँ पे, किसी ने एनी वन? नहीं, वन नाइट स्टैंड नहीं किया मैं, बम्बल पे भाई साहब। तू तो भाई 10 मिनट टांगों पे खड़ा हो जाइए बहुत है। कह रहा कौन है? आपस में मारते रहते दूसरे। सब ये डेटिंग ऐप्स की गलती, मैं बता रहा हूँ। आप जीवन साथी जैसी साइट्स पे आओ, जहाँ मैट्रिमोनियल वाला माहौल है, कितना अच्छा माहौल है, सूरज बजादियों की पिक्चर वाला माहौल है कि हम आपके साथ रहते हैं, हम साथ साथ रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके हैं कौन। डेटिंग ऐप्स पे क्या माहौल है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। राजा बेचारा आधी आधी रात को गुड़गांव में एक्टिव वाले के दरवाजे ढूंढ रहा है, वहां पे जन्मों जन्मों का साथ है जीवन साथी पे। डेटिंग ऐप्स पे क्या 70 मिनट का साथ है, उसमें भी 60 आने जाने के हैं। चल तू 65 ले लियो आने जाने में। 5 मिनट तो चल मैगी से ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा? आप जीवन साथी पे देखो, जोड़े आपस में बात करते कितनी अच्छी अच्छी बात है कि हॉबीज क्या है, आप रोमांटिक हो कि नहीं, आपका पैशन क्या है, आप जॉब में कहाँ जाना चाहते हो। मैं भाई 2022 में डेटिंग ऐप्स पे इतनी गंदी बातें करती लड़कियां वहां पे और लड़के भी। एक लड़की मुझसे कह रही व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन, मेरे दिमाग का इंजीनियर बाहर आ गया। मैंने कहा सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, वेल रिप्यूटेड आईटी कंपनी। आपका बॉडी काउंट क्या है? मुझे लगा उत्तर प्रदेश का लौंडा हूं, मर्डर पूछ रही कितने कर रखे। मैंने कहा 0। कह रही आर यू वर्जिन? मैंने कहा नहीं वर्गो। व्हाट इज योर फैंटेसी? मुझसे फैंटेसी पूछ रही, मुझे क्या पता फैंटेसी क्या होती। उत्तर प्रदेश का लौंडा 2022 में था, कह रही आपके मन में क्या है? मैंने कहा 2023 का वर्ल्ड कप जिता दे इंडिया को बस। ये मेरे मन में भी था, कर दिया और इंडिया वर्ल्ड कप भी हार गई, टोटल लॉस है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, डेटिंग ऐप्स में कोई फिल्टर नहीं रहेगा। आप किसी भी डेटिंग ऐप पे जो क्या 14 साल का बच्चा 56 साल की औरत से क्या बात कर रहा है? अगर आप खुद 14 साल में लिखा हुआ है बायो में इन सर्च ऑफ लव, अपनी जुराबे ढूंढ ले पहले। मेरी एक फ्रेंड 28 साल की रेडी फॉर मैरिज, वो कहती है मैं एक 17 साल के लड़के से बात कर रही हूँ डेटिंग ऐप पे। मैंने कहा तू पागल होगी, 17 साल? कह रही वो मच्योर हो गया है। मैंने कहा वो तो जेट स्प्रे आ गई, नहीं तो अभी भी मम्मी से धुलवा रहा होता। उसको गोद में लेके एक ही गाना गाना, बेबी शार्क डू 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 डू। अभी उसका ब्रेकअप हुआ उस लौंडे से, पता क्यों? लौंडे के बोर्ड एग्जाम आ गए। भाई लड़की डिप्रेस हो गई। मैंने उसका जीवन साथी पे प्रोफाइल बनाया, 2 दिन में उसको जीजा ढूंढ के दिए, अगले दिन उसका कार्ड छपाया, उसमें लिख दिया मेरे दोस्त की शादी में जुलूल जुलूला।